अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अकरम एंड वेलकम टू फिजिक्स प्लैनेट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ जो फिज़िक्स और इलेक्ट्रिसिटी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जैसे आप फर्दर फिज़िक्स की स्टडी करेंगे आपको हर जगह ये इलेक्ट्रिसिटी में ये जो ओहम्स लॉ है देखने को मिलेगा। ओहम्स लॉ एक साइंटिस्ट, एक फिजिस्ट, जर्मन फिजिस्ट, उन्होंने इस लॉ के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी या इसके ऊपर काम किया, तो उसी उन्हीं के नाम के ऊपर, साइमन ओहम के नाम के ऊपर जो है वो ओहम्स लॉ बना दिया गया, इसलिए इसका नाम ओहम्स लॉ है। तो ओहम्स लॉ हमें किस तरह इंफॉर्मेशन देता है और क्या इंफॉर्मेशन देता है, अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जब हमने किसी कंडक्टर में से करंट फ़्लो करवाना होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे चार्जेज हैं वो एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि करंट जो है वो फ़्लो कर रहा है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे, एक कंडक्टर है ये वाला, उसके साथ हमने क्या किया, एक सोर्स जो बैटरी है वो अटैच कर दी, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैदा कर रही है इस कंडक्टर के अक्रॉस। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी तो आपको पता है कि चार्जेज जो हैं वो फ़्लो करेंगे और वहाँ से करंट पास करेगा, करंट फ़्लो करेगा, और वो करंट कितना फ़्लो करेगा ये जो है हम जानेंगे। तो इसी के बारे में हमने बताया था कि हाउ मच करंट जो है वो पास करता है इस कंडक्टर के अंदर से, जब हम यहाँ से बैटरी से पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जब हम किसी कंडक्टर के साथ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करवाते हैं या वहाँ पे बैटरी अटैच करते हैं तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है कि जो आपने सोर्स यूज़ किया है कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, वो बैटरी या वो सेल कितने, उसकी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा यहाँ से करंट पास करेगा। तो यही उसने हमने बताया था कि जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, यानी कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा इस बैटरी का, पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे कंडक्टर के क्रॉस उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतने ज़्यादा चार्जेस जो हैं वो स्पीडली मूव करेंगे, जितने ज़्यादा चार्जेस स्पीडली मूव करेंगे उतना ज़्यादा करंट जो है इसमें से फ़्लो करेगा। और आपको पता है कि करंट की डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ़्लो करेंगे इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, हम पढ़ चुके हैं कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट के अंदर। अच्छा, ये जो कंडीशन है V इज़ प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये उस वक्त होल्ड करती है जब कहते हैं कि टेम्परेचर जो है उस कंडक्टर का कॉन्स्टेंट रहे, तब हम ये जो लॉ है वो अप्लाई कर सकते हैं। तब हम कहेंगे कि ओहम लॉ जो है वो कंडक्टर जो है, वो मटेरियल जो है, वो डिवाइस जो है इस लॉ को फॉलो करती है अगर उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे। ओके, अब हम देखते हैं कि लेट्स सपोज कि अगर मैं इसका जो पोटेंशियल है वो एक वोल्ट बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे इसके ऊपर एक एम्पेयर करंट जो है वो फ़्लो करता है, इस कंडक्टर में से एक एम्पेयर करंट फ़्लो करता है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं दो एम्पेयर, दो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे दो एम्पेयर करंट पास करना शुरू कर देता है। अगर मैं तीन वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अप्लाई करता हूँ इस कंडक्टर के अक्रॉस तो इस कंडक्टर में से तीन एम्पेयर करंट जो है वो पास करना शुरू कर देता है। तो फिर अगर हम यहाँ से हमने एक रिलेशन बनाना हो मैथमेटिकल रूल के मुताबिक, जब हम इस जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है उसको ख़त्म करते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, एक वोल्ट, एक एम्पेयर करंट है, तो यहाँ पे जो हमारे पास आर की वैल्यू होगी वो वन होगी। इसके अलावा भी जो प्रोपोर्शनैलिटी है, जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो इस तरह से वर्क करती है। लेट्स सपोज कि अगर हमने पोटेंशियल की वैल्यू 10 रखी है तो इसमें से करंट जो है वो 2 एम्पेयर पास करता है। अगर मैं इसका जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 4 रखता हूँ
सॉरी 20 रखता हूँ तो करंट जो है वो 4 एम्पेयर पास करता है। इसी तरह से अगर मैं 30 वोल्ट जो है इसकी वैल्यू रखता हूँ तो करंट इस कंडक्टर में से 6 एम्पेयर पास करता है। ये मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू है, ये मेरे पास करंट की वैल्यू है, ये इन दोनों की वैल्यूज़ हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये साइड जो है ये तो फिर इसके इक्वल नहीं बनती, ठीक है। यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपके पास 2 आ रहा है, यहाँ पे 20 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 30 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। तो हमें फिर एक नंबर जो है उससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। लेट्स सपोज कि अगर मैंने इसको इसके इक्वल करना है तो मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 5 से। तो ये नंबर जो है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो है वो चेंज है। लेकिन ये जो है इसको इक्वेशन को जब बैलेंस करते हैं तो इसको हम एक कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं और वो वाला कांस्टेंट नंबर जो है यहाँ पे R है। इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोलते हैं और इसको हम कहते हैं ये रेजिस्टेंस है उस कंडक्टर की, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अब क्या होती है अच्छे से समझना है। वैसे तो ये एक इंग्लिश का ही वर्ड है, ठीक है। इंग्लिश के वर्ड के मुताबिक अगर आप रेजिस्टेंस देखें तो उसको हम मज़ाहमत बोलते हैं उर्दू में, ठीक है। तो यानी कि ऑपोजिशन है। तो रेजिस्टेंस किस में होगी, अगर कंडक्टर की टर्म में बात करें तो रेजिस्टेंस हम किसको बोलेंगे, रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट किस में होगी, फ्लो ऑफ चार्जेस में होगी। तो जब फ्लो ऑफ चार्ज फ्लो करेंगे तो उनके रास्ते में जो रुकावट आएगी उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ऑपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, जब चार्जेस फ्लो करने लगते हैं तो वहाँ पे चार्जेस जो हैं वो कंडक्टर के अंदर एटम्स के साथ जब टकराते हैं तो वो जब टकराना होता है उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, रेजिस्टेंस है। जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो जब एटम के साथ टकराता है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो लूज़ करता है और एटम काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। तो क्या हुआ, आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऑपोजिशन जो है वो बियर करना पड़ी यहाँ पे, तो इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को जैसा कि आपको पता कि इससे शो करते हैं, अगर हमने इसका अलग से फार्मूला लिखना हो तो वो होगा वी इज इक्वल टू वी ओवर आई, ठीक है। और ये एक कंडक्टर के लिए एक ही कांस्टेंट इसकी रेजिस्टेंस होगी, बशर्त ये कि उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। अदरवाइज इसकी जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, डिफरेंट कंडक्टर्स के लिए डिफरेंट होगा, ओके। अब हम देखते हैं यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस, उसका यूनिट जो है वो ओहम होता है और उसका ओहम को हम इस सिंबल से शो करते हैं, ये वाला सिंबल है जी, इसको शो करने के लिए ओहम को, ओके। अब देखते हैं कि डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड किन फैक्टर्स के ऊपर करती है, किसी कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले है कि उसकी नेचर क्या है, वो जो कंडक्टर है वो किस नेचर का है। फिर है जी डायमेंशन क्या है उसकी, ठीक है, उसकी डायमेंशन किस तरह की हैं। वो कंडक्टर एक आपके पास वायर है, ठीक है, आपके पास एक प्लेट है या किसी और डायमेंशन में है, उसकी शेप किस तरह की है। फिज़िकल स्टेट, फिज़िकल स्टेट से मुराद ये है कि उसके ऊपर टेम्परेचर जो है वो कितना लग रहा है, उसके टेम्परेचर प्रेशर ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो फिज़िकल स्टेट के अंदर आती हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हम जो है इससे मुराद टेम्परेचर ही काउंट करेंगे। वन ओम रेजिस्टेंस क्या होती है, अच्छे से आपको मैंने वन ओम या इस तरह की टर्म्स को डिफ़ाइन करना सिखाया हुआ है, होप्सो आपको वो याद होंगी, नहीं याद तो दोबारा से देखें। आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो है हमने क्या निकला है, वी ओवर आई, ठीक है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है और पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, करंट का यूनिट एम्पेयर होता है। अगर हमने एक ओम को डिफ़ाइन करना है या दो ओम को डिफ़ाइन करना है या तीन ओम को डिफ़ाइन करना है तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ जो हैं उनको चेंज करते जाएंगे और हम इस तरह से वन ओम, टू ओम, थ्री ओम, सो ओम, इतने ओम्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम वन ओम को डिफ़ाइन करना चाहें तो वन ओम जो है, वन ओम वो रेजिस्टेंस होगी जब हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस
वन वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और वहां से एक एम्पियर का करंट पास करें। वन ओम वो रेजिस्टेंस होगी जब हम एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है किसी कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई करें और वहां से वन एम्पियर का करंट पास करें, देन हम कहेंगे कि उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो वन ओम है। इसी तरह से हम टू एम्पियर, थ्री एम्पियर, फोर एम्पियर, फोर ओम, टू ओम, इस थ्री ओम, फोर ओम, इस सब के लिए डिफाइन कर सकते हैं। हमें पता है कि जो ओम्स लॉ है हमने डिफाइन कर लिया, हमने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म देख ली कि वो होती है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अगर हम इनके दरमियान में एक ग्राफ बनाना चाहें तो हम क्या देखेंगे, तो पहले हमने बात की कि V जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ाते हैं उतना ही करंट की वैल्यू जो है वो बढ़ती है। इनका क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे जो करंट इस एक्सिस में ले लिया है, जो वोल्टेज है वो इस एक्सिस में ले लिया। अगर हमारे पास जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 2 के हिसाब से बढ़ती है, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 6। इसी तरह से अगर हम इस तरह से भी इसको देख सकते हैं कि पोटेंशियल जो है अगर यहाँ पे 1 है तो करंट जो है वो 1 होगा, लेकिन वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 है और वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे 1 वोल्ट 1 एम्पेयर, 1 2 वोल्ट 2 एम्पेयर, 3 वोल्ट 3 एम्पेयर, 4 वोल्ट 4 एम्पेयर, तो जितनी वैल्यू उसकी बढ़ रही है उतनी इसकी बढ़ रही है। तो अगर हम यहाँ से ग्राफ बनाना चाहें तो हमारे पास जो ग्राफ है वो क्या आएगा, एक ये देखें चलें यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमारे पास इस तरह से मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, जब हम उनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आती है इस तरह से। ठीक है जी, इन सारे पॉइंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आएगी। और जो हमारे पास कंडक्टर्स, जो मटेरियल्स, जो हमारे पास डिवाइसेस इस लॉ को, इस रूल को ओबे करती हैं, यानी कि उनका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, उनको हम बोलते हैं कि ये वाली जो डिवाइसेस हैं, ये वाले जो मटेरियल हैं वो जो हैं वो क्या होंगे, ओहमिक मटेरियल होंगे। ठीक है जी, यानी कि वो जो फॉलो करें इस रूल को, ठीक है, वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, या तो अगर उनका टेम्परेचर चेंज होता है तो फिर ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होगा अगर वो वेरी करता है। ओके, इम्पोर्टेंट है जी, आर मस्ट बी कॉन्स्टेंट। इसमें जो आर की वैल्यू है वो हमेशा एक, चूँकि हमने वहाँ पे इसको कहा है कि ये एक कॉन्स्टेंट है तो उसकी वैल्यू फिक्स रहनी चाहिए थ्रू आउट जितनी भी हम जो है वो रीडिंग ले लें। ठीक है, पोटेंशियल और करंट की जितनी भी वैल्यूज हमारे पास आ जाएँ उसमें जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। तो ओहमिक डिवाइसेस या ओहमिक मटेरियल जो हैं उनको मैंने डिफ़ाइन किया कि हमारे पास मटेरियल दैट ओबे ओहम्स लॉ, वो वाले मटेरियल या वो वाली डिवाइसेस जो ओहम्स लॉ को ओबे करती हैं। ओहम्स लॉ क्या है कि जब हम उनके दरमियान में ग्राफ बनाते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन आए तो वो जो डिवाइसेस या मटेरियल हैं वो क्या होंगे, ओहमिक मटेरियल होंगे। जो इस लॉ को, जो इस रूल को फॉलो नहीं करती उनका अगर ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, या स्ट्रेट लाइन बनने के बाद किसी पॉइंट के ऊपर जाके वो कर्व हो जाता है तो वो भी ओहमिक डिवाइसेस नहीं होंगी। वो किसी हद तक जो है वो उसको फॉलो करती हैं, वो मज़ीद जो हैं वो फॉलो नहीं करती। कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं या मटेरियल्स हैं जो फॉलो नहीं करते ओहम्स लॉ को, उनमें क्या है जी, फिलामेंट ऑफ द लैंप। ठीक है, आपने ऑर्डिनरी बल्ब देखा होगा जिसके अंदर एक फिलामेंट लगा होता है, जब उसमें से करंट पास करता है तो स्टार्ट में जो पोटेंशियल और करंट की वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, लेकिन जो ही कुछ टाइम गुजरता है तो वो
जो आपका फिलामेंट है वो हीट अप होना शुरू हो जाता है। जब हीट अप होता है तो उसका टेम्परेचर हीट अप होने की वजह टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो हीट अप हो जाता है। तो हमने तो कहा है कि वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब हम देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो दूसरी जो आपके पास नॉन ओमिक डिवाइसेज हैं वो सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं, इसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, नॉन ओमिक डिवाइसेज या नॉन ओमिक मटेरियल जो हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास है फिलामेंट ऑफ द लैम्प। आपके पास ऑर्डिनरी बल्ब आपने मोस्टली घरों में देखा होगा, जो पुराने बल्ब थे जिनकी येलो लाइट होती थी उनके अंदर एक फिलामेंट लगा होता था। जब हम क्या करते थे, स्टार्ट करते थे, उसको ऑन करते थे, तो उसमें जो पोटेंशियल और करंट में जो वेरिएशन है वो नहीं आती थी, ठीक है। उनका जो ग्राफ था वो एक स्ट्रेट लाइन बनता था, लेकिन जूँ ही कुछ टाइम पास करता था तो वो जो फिलामेंट है वो हीट अप होना शुरू हो जाता था। हीट अप क्यों होता था, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू कर जाता था। लेकिन हमने ओम लॉ में पढ़ा है कि इसका टेम्परेचर जो है वो वेरी नहीं करना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। लेकिन इसमें तो क्या कर गया, टेम्परेचर जो है वो वेरी कर गया। जब टेम्परेचर वेरी करेगा तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ठीक है। फिर आप जितना मर्जी पोटेंशियल जो है वो बढ़ाते रहें, आपके पास करंट की वैल्यू जो है वो एक कांस्टेंट हो जाएगी, इसके बाद मजीद करंट जो है वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है जी। तो इसलिए ये जो आपके पास ग्राफ है ये नॉन ओमिक यहाँ से होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे तक तो ये ओम लॉ को फॉलो करता है, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद इसका टेम्परेचर जो है फिलामेंट का वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए ये क्या है, ये फॉलो नहीं करता ओम लॉ को एट दिस स्टेज, और ये क्या हो जाता है, कर्व हो जाता है, या यहाँ से कह लें कि करंट जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। फिर जितना मर्जी हम पोटेंशियल की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे लेकिन करंट जो है वो मज़ीद नहीं बढ़ेगा। इसी तरह से जो दूसरा हमारे पास नॉन ओमिक डिवाइस है वो है हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड्स। आपको पता है कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनके अंदर जो है जो बैंड गैप है वो बहुत कम होता है। जो ही उनको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में चले जाते हैं और वहाँ से करंट जो फ्लो है वो करना शुरू कर देता है, और थोड़ी सी एनर्जी लेके वो बहुत ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है। तो यहाँ भी यही हमारे पास सूरत हाल है, हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास करंट है। जो ही हमने थोड़ा सा पोटेंशियल उसको दिया तो क्या हो गया, पहले ये ऐसे गया और एकदम से जो करंट की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं हमें मिली तो इसलिए ये ओम लॉ को फॉलो नहीं करता। तो ये दूसरी एग्जांपल थी हमारे पास नॉन ओमिक मटेरियल या नॉन ओमिक डिवाइसेस की। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे पास है पैरेलल एंड सीरीज़ कम्बिनेशन। जो रेजिस्टेंसेज होती है ना उनको बच्चों जोड़ने के हमारे पास आपकी बुक में दो मेथड जो है मेंशन किए गए हैं, एक को हम सीरीज़ कम्बिनेशन बोलते हैं, एक को पैरेलल कम्बिनेशन बोलते हैं। आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इन इलेक्ट्रिकल सर्किट नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज कैन बी कनेक्टेड। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट होते हैं, वहाँ पे हम नंबर ऑफ जो रेजिस्टेंसेज हैं उनको कंबाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। सबसे पहले है सीरीज़ कम्बिनेशन। सीरीज़ कम्बिनेशन में क्या होता है, हम रेजिस्टेंसेज को एंड टू एंड जो है वो कनेक्ट करते हैं। तो जब एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे, एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरी रेजिस्टेंस ये है, तीसरी रेजिस्टेंस ये है, तो यहाँ से अगर हम करंट की सप्लाई करते हैं तो जितना करंट इसमें से पास करेगा उतना ही इसमें से पास करेगा, उतना ही इसमें से पास करेगा। हर एक रेजिस्टेंस में से करंट की जो वैल्यू है वो एक जितनी ही रहेगी। तो यहाँ से अगर हम ये देखना चाहें, ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाती है R1। टोटल इसकी जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो आ जाती है R1 प्लस R2 प्लस R3, इन सब का सम आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल में हमारे पास इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है कि हम उनको साइड बाय साइड जो है वो कनेक्ट करते हैं, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। इस तरह से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये है भी एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है, ये सीरीज़ में थे,
तो ये पैरेलल होंगे, नज़र भी आ रहा है आपको कि जो आपके पास रेजिस्टेंसेज हैं वो इस तरह से पैरेलल जुड़ी हुई हैं। तो इनको साइड बाय साइड कनेक्शन हम बोलते हैं। और इनकी अगर हम रेजिस्टेंस देखना चाहें तो 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। होप सो आपको समझ आई होगी। ये था आज के लिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।